टू सीजी फूड। मैं हूँ मनीषा ठक्कर। आज हम गेहूं के आटे का इस्तेमाल करके बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाएंगे, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मिक्सर जार ले ले और उसमें एक कप गेहूं का बारीक आटा डाले। इसी के साथ इसमें एक चौथाई कप सूजी डालेंगे, फिर एक नींबू का रस और आधा कप पानी डालकर इसे मिक्स कर ले। इस तरह से जब ये मिक्स हो जाए फिर इसमें दूसरा आधा कप पानी डाले और फिर से इसे मिक्स कर ले। तो इस तरह से बैटर बनाकर उसे एक बर्तन में निकाल ले और इसे ढककर 10 मिनट के लिए रहने दे। तब तक हम इसके साथ सर्व करने के लिए चटनी बना लेंगे। तो मिक्सर का छोटा जार लेकर उसमें 3 से 4 चम्मच जितना फ्रेश नारियल डाले, फिर 2 चम्मच दालिया जिसे रोस्टेड चना दाल भी बोलते हैं, इसी के साथ थोड़ा जीरा, स्वाद अनुसार नमक, 5 से 6 मीठे नीम के पत्ते, थोड़ी सी चीनी, नींबू का रस, जरूरत अनुसार पानी और 1 हरी मिर्च डालकर इसे पीस के तैयार कर ले। तो चटनी पीस कर रेडी हो गई है, इसे साइड में रख देंगे। जो बैटर हमने बना कर रखा है उसमें बाकी की चीजें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाले, फिर थोड़े मीठे नीम के पत्तों को बारीक चॉप करके ऐड करना है, फिर थोड़ा जीरा और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। आप चाहे तो ये पकौड़ा ऐसे भी बना सकते हैं। अभी मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच जितना फ्रोजन मटर दरदरा पीस के ऐड किया है, जिससे इसका टेस्ट और भी अच्छा लगता है। आखिर में 2 चुटकी जितना खाने का सोडा डाले और इसे मिक्स कर ले। सोडा ज्यादा नहीं डालना है। इस तरह से जब बैटर बन जाए तब गरम तेल में इसमें से पकौड़े बनाए। तो थोड़ा सा ही बैटर लेना है और इस तरह से पकोड़े बनाने हैं। ये पकोड़े जब फ्राई हो जाएंगे तो आपने जो साइज रखी है उससे भी ये डबल हो जाते हैं। इसे हमें मीडियम आंच पर फ्राई करना है और इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहे। जब पकोड़े इस तरह से लाइट ब्राउन कलर के फ्राई हो जाए तब हम इसे पेपर नैपकिन पर निकाल लेंगे। अभी जो मेजरमेंट लिया उससे आप 2 से 3 लोगों को सर्व कर सको, उतना पकोड़ा बनकर रेडी होता है। आप इसे टोमेटो केचप या बनाई हुई कोकोनट की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आप भी इस तरह से ये नाश्ता बनाकर जरूर ट्राई करें।